गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास बेकिंग सोडा फिनिश हो गया था। सो टुडेज टॉपिक इज ब्लीचिंग पाउडर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। यस, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड बोले तू OCl2। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तू, यस CaOCl2। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। लाइम कौन सा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम कहते हैं, राइट? आप चाहे तो इसको लिख लीजिए स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम के क्लोराइड को ही हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका क्लोराइड मतलब हाँ Cl2 के साथ रिएक्शन। देखिए, जब ये रिएक्ट करता है सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म CaOCl2 प्लस H2O। एक बार वेरीफाई कर लीजिए बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है, क्लोरीन बैलेंस है, कम्प्लीटली बैलेंस है। ये हमारा स्लेक्ट लाइन, दिस इज क्लोरीन गैस, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर एंड दिस वन इज वाटर। तो बस इसका प्रोडक्शन भी आपने यहीं से देख लिया। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम याद है, दैट इज क्लोराइड ऑफ लाइम, अगर आपको ये नाम इसका पता है तो आप इसका प्रोडक्शन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, लाइम लिख लेना है, यानी कि स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसका क्लोराइड यानी कि उसके Cl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे और आपको आपका ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 मिल जाएगा। दैट्स ऑल। इसका प्रोडक्शन भी यही फिनिश हो गया। आइए, नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद आप ये पूरा कॉपी कर लेंगे। ये वही चीज़ है जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम कहते हैं, इसका क्लोराइड यानी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना हमें, फिर हमें क्या मिल जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और साथ में क्या मिलेगा मुझे? वाटर। कर सकते हैं? चलिए, अगर कर सकते हैं तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला, ब्लीचिंग पाउडर इज अ वाइट पाउडर विच गिव्स स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसमें कि हमें क्लोरीन की स्मेल वो भी ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। रीजन, इसमें क्लोरीन गैस का ही रिएक्शन कराया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2 क्लोराइड होता है ना, इसलिए इसमें क्लोरीन है तो क्लोरीन वाली स्मेल भी आती है। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को ठंडे पानी में भी अगर आप मिक्स करें तो मिक्स हो जाता है। द स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम प्रेजेंट इट। लेकिन जब आप मिक्स करेंगे तो आपको कुछ पार्ट प्रिसिपिटेट फॉर्म में भी मिलता है। हाँ, कुछ पार्ट आपको प्रिसिपिटेट फॉर्म में भी मिलता है, वो प्रिसिपिटेट आपका ब्लीचिंग पाउडर नहीं होता। ब्लीचिंग पाउडर में प्रेजेंट जो स्लेक्ट लाइम था वो होता है, क्योंकि वो कम्प्लीटली वहाँ पर डिजॉल्व नहीं होता है। सो पावर तो कट गई, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यस, सो सेकेंड पॉइंट हो गया था, राइट? लेट्स डिस्कस थर्ड पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर। इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन। एक्चुअली ये बना किससे है? क्लोरीन गैस से। तो जब भी आप इसको, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पहले से ही मौजूद है, जब आप इसकी डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी डायलूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलती है वहाँ पे? क्लोरीन गैस देखने को मिलती है। व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज ट्रीटेड विथ एन एक्सेस ऑफ डायलूट एसिड ऑल द क्लोरीन प्रेजेंट इन इट इज लिबरेटेड। जब भी हम इसको, आप यहाँ से ही यहाँ तक ही बस नोट करेंगे ना, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर आप यहाँ से लेके, ये एग्जांपल है, ठीक है? जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में सारा का सारा
क्लोरीन गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है, यानी कि वहाँ से निकल जाती है। तो फिर बताइए रिएक्शन क्या होगा। देन वी कैन राइट डाउन द रिएक्शन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आप यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकलेगी और ये किसी साथ रिएक्शन करेगा, सल्फेट के साथ। सो दिस विल फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। और क्या मिलेगा आपको, क्लोरीन गैस, और आपको क्या मिल जाएगा, वाटर। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा, सर जरूरी है कि मैं सल्फ्यूरिक एसिड लूँ? अभी मैंने कहा ना कि नहीं, आप ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2 का रिएक्शन आप चाहें तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर। आप एक बार चेक कर लीजिए ये बैलेंस है या नहीं है, नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। आई थिंक हाँ बैलेंस नहीं है, क्लोरीन बैलेंस नहीं है, कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, यानी कि हमें यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए कैल्शियम बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस एंड ऑक्सीजन बैलेंस, ये हो जाएगी रिएक्शन। इस केस में भी हमें क्लोरीन गैस मिल गई। अब भाई आपको माइंड में आ रहा होगा, अगर मैं कोई और एसिड ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस पर नाइट्रिक एसिड लेके देख लीजिए। देखिए जब इसी साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट। हाँ वेरी गुड, अब धीरे धीरे आपको गेस करने आ रहा है, राइट। सो दिस विल बी CaNO3 ट्वाइस। क्यों ट्वाइस होगा, क्योंकि नाइट्रेट में क्या होता है, सिंगल माइनस का चार्ज होता है, रेडिकल में आपने देखा था। अब कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है, नाइट्रेट पे सिंगल माइनस, तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। प्लस क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस प्लस वाटर। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे, देखिए बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, कैल्शियम बैलेंस हो गया, नाइट्रेट बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया, ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन। यानी कि आप चाहें जिससे रिएक्शन कराएं, किसी भी डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन अगर आप ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में, तो उस केस में आपको क्लोरीन गैस हमेशा लिबरेट होते हुए मिलेगी, यानी कि उस रिएक्शन से जो गैस निकलेगी डैट गैस विल बी क्लोरीन गैस। बात समझ में आ गई आपको, चलिए। आइए आगे कुछ डिटेल्स में चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको लिखनी नहीं है, बस हाँ सुनिए समझिए, ताकि समझना जरूरी है। द क्लोरीन प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ डायल्यूट एसिड ऑन ब्लीचिंग पाउडर एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। अब जो डायल्यूट एसिड से रिएक्शन कराने के बाद हमें क्लोरीन गैस मिल रही है, वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करती हैं, ब्लीचिंग एजेंट। हमने लास्ट लेक्चर आपको कहा था कि अब ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, इसका फॉर्म, इसका एक्चुअल मीनिंग आप ध्यान रखेंगे। ब्लीचिंग एजेंट इज दैट केमिकल विच इज यूज टू डीकलराइज द कलरफुल ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऐसे कपड़े होंगे जो कि कलरफुल होते हैं, अगर आपको उसको डीकलराइज करना है, यानी उसके कलर्स को उड़ाना है, यानी कलर वहाँ पे ना रहे, तो उस केस में आप ब्लीचिंग एजेंट का यूज करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट एक्चुअली क्या करता है, जो कलरफुल चीज़ें होती है उनके अंदर जो कलर कंपोनेंट्स हैं वो उन कंपोनेंट्स को वहाँ से हटा देता है। देखिए दस द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। इसका मतलब एक्चुअली हम जब खरीदने जाएंगे तो हमें क्लोरीन गैस तो मिलेगी नहीं, कोई गैस बेचता थोड़ी है, क्लोरीन गैस कहीं नहीं बिकती, तो फिर क्या करेंगे। अगर आपको ब्लीचिंग के लिए यूज करना है तो आपको खरीदना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर में एक्चुअल काम जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, हाँ दैट इज गेटिंग हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द क्लोरीन गैस। वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन गैस ही है जो ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है, न कि सेलेक्ट लाइन। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। और ऐसा क्यों, क्योंकि क्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है आपको पता है ना, ठीक है। सम कलर सब्सटेंस टर्न कलरलेस व्हेन ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन। बहुत सारे कलरफुल सब्सटेंस जब ब्लीचिंग पाउडर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कलरलेस हो जाते हैं, यानी उनके कलर उड़ जाते हैं, क्यों, इसी क्लोरीन की वजह से। एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन। अब
हकीकत तो ये है कि ब्लीचिंग पाउडर एक मीडियम है क्लोरीन गैस को यूज करने का। अभी डायरेक्ट क्लोरीन गैस आप स्टोर नहीं कर सकते, तो आप स्टोर कैसे करेंगे? तो क्लोरीन गैस को स्टोर करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। यानी कि अगर मुझे क्लोरीन गैस चाहिए तो मुझे क्लोरीन गैस कहीं नहीं मिलेगी, मुझे ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। और मैं जब ब्लीचिंग पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड या किसी भी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करा दूंगा तो मुझे क्लोरीन गैस मिल जाएगी। यानी कि मुझे अगर क्लोरीन गैस चाहिए तो डायरेक्ट नहीं मिलेगी, मुझे उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज क्लोरीन गैस इट्सेल्फ इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड यूटिलाइज, क्योंकि खुद क्लोरीन गैस को स्टोर करना या उसको यूज करना बहुत ही टफ काम है। वी हैव गिवन अबव द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऊपर जो रिएक्शन दी गई है दैट इज गिवन द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो रिएक्ट्स विद ब्लीचिंग पाउडर इन अ सिमिलर वे टू लिबरेट क्लोरीन। इसी तरह से डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करती है और क्लोरीन गैस देती है। कैसे करती है अभी हमने पीछे करके आपको दिखाया भी था। नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये आपको नोट करना है। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है? पहला, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कपड़े इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे कॉटन और लिनन को ब्लीच करने के लिए यानी उनके कलर्स को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में जब हम लकड़ी के पल्प को, हाँ वुड के पल्प को लेके जाते हैं तो कलरफुल होता है, तो उसके कलर को हटाने के लिए, क्योंकि जो पेपर हमें चाहिए होता है वो क्लीन वाइट चाहिए होता है, तो उसके लिए मुझे उसे कलर कंपोनेंट्स हटाने पड़ते हैं, वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। हाँ, जो लॉन्ड्री होती है यानी कि जहाँ पे कपड़ों को साफ किया जाता है वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अभी इतना ही, एक बार फिर से पावर कट, लेट्स वेट अगेन। ओके, सो आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं। इससे पहले लॉन्ड्री के बारे में थोड़ा सा दिया। लॉन्ड्री क्या होता है आपको तो पता ही है। लॉन्ड्री इज अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द क्लोरीन रिलीज बाय हीट। और ये ब्लीचिंग वाला जो काम है वो क्यों हो रहा है, क्या ब्लीचिंग पाउडर कर रहा है? एक्चुअली ब्लीचिंग पाउडर तो एक मीडियम है जिससे मुझे क्लोरीन गैस मिलती है, और क्लोरीन गैस वो ब्लीचिंग एजेंट है। यानी कि एक्चुअल काम कौन करता है? क्लोरीन गैस। सेकेंड, आपको ये सब नहीं लिखना, पीछे जितना टिक रहा था बस वो लिखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, दैट इज फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्प्स। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है, सिटीज वगैरह में वाटर सप्लाई आती है, वहाँ से लोग पानी पीते हैं, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। क्योंकि जब ब्लीचिंग पाउडर को उसके अंदर मिक्स किया जाता है तो वहाँ से क्लोरीन रिलीज होती है, और वो क्लोरीन वाटर सप्लाई जो हो रही है उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं उनको वो मार देते हैं। यानी कि एज अ डिसइंफेक्टेंट भी हम इससे काम में लेते हैं। थर्ड, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर से मुझे क्या मिलती है? क्लोरीन गैस। और क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी मुझे क्लोरीन गैस चाहिए। तो यहाँ से जो क्लोरीन गैस मिलेगी उसका यूज करके हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपको पता ही होगा? नहीं पता क्लोरोफॉर्म? ये तो गड़बड़ बात है। क्लोरोफॉर्म इज अ केमिकल विच इज यूज, जिसका हम यूज करते हैं किसी लोग को सुंघा कर बेहोश करने के लिए। हाँ, इट इज़ मेनली यूज इन द मेडिसिन डिपार्टमेंट। हाँ, ऑपरेशन वगैरह के टाइम पे इसको यूज किया जाता है जिससे कि हमें बेहोश रखा जाए, यानी कि हमें दर्द का एहसास कम हो और पूरा काम आराम से किया जा सके। फोर्थ, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना। अभी जैसे कि आपको पता है जो वूल मिलती है हमें वो कहाँ से मिलती है? सिप से मिलती है ना। अब मान लीजिए जो सिप से वूल मिली, सिप के हेयर से ही तो वूल मिलती है, सिप का हेयर एकदम स्ट्रेट थोड़ी होता है, वो तो क्या होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसा वैसा होता है। जब आप इसको वूल बनाएंगे तो वूल भी क्या होगा? ऐसे टेढ़ा मेढ़ा।
अब आप चाहते हैं कि आपका बोले से टेढ़ा मेढ़ा ना हो, आपका बोले एकदम स्ट्रेट हो, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं हम, अनश्रिंकेबल। श्रिंक का मतलब सिकुड़ा हुआ कुछ ऐसा, अनश्रिंकेबल का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइक दिस। तो अपने वूल को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल्स इंडस्ट्रीज। हाँ, अभी तो हमने देखा था पीछे क्लोरीन गैस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। और क्लोरीन गैस मुझे मिलेगा कहाँ से, ब्लीचिंग पाउडर से। तो हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी किया जाता है। पास समझ में आ गई होगी, क्लियर है। चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस डिस्कस करेंगे और फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।